माया एंटरटेनमेंट जो प्रोग्राम कर रही है करनाल में, मिसेज करनाल और मिस करनाल, लास्ट टाइम भी इन्होंने एक प्रोग्राम यही किया था मिसेज करनाल। मेरे हिसाब से करनाल में ऐसा कोई आज तक का कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। मतलब ऐसे प्रोग्राम या तो हम बॉम्बे देखते थे या दिल्ली में देखते थे, करनाल में ऐसा प्रोग्राम कभी भी नहीं हुआ था। और हमें तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कि भी हम इसके स्पॉन्सर हैं। और मैं कहता हूँ कि करनाल के जितने भी लोग इसको देख रहे हैं या जिनको पता चल रहा है, वो सब प्रोग्राम देखने तो जाएं, और जो पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम बहुत कम होते हैं। बहुत कम क्या, करनाल में तो माया एंटरटेनमेंट के अलावा कभी किसी ने किया ही नहीं है जो इतने अच्छे लेवल पे प्रोग्राम होता है। आप सबको यही कहना चाहूँगा कि भी आप सभी इस प्रोग्राम को देखने भी ज़रूर जाएँ, और जो पार्टिसिपेंट कर सकते हैं उन्हें पार्टिसिपेंट भी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि विनर की बात नहीं होती इसमें। आप अगर विनर कोई नहीं भी बनता, वो भी बहुत कुछ सीखने को उसको मिलता है। और लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम देखा था तो मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम था कि करनाल के अंदर क्या पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मेरे हिसाब से कभी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ। गो क्रेजी और हॉट बिलियंस रेस्टोरेंट की तरफ से हमारी बहुत इनको शुभकामनाएँ, बहुत विशेज कि माया एंटरटेनमेंट ने जो प्रोग्राम पहले किया था और जो अब करने जा रहे हैं, ये इतना अच्छा प्रोग्राम करें कि करनाल का नाम पहले जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा, इस तरह दोबारा पूरी दुनिया में ये पहुंचाएं। और गो क्रेजी और हॉट बिलियंस की तरफ से बेस्ट विशेज पूरी टीम को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच माया एंटरटेनमेंट का।